स्टोरी देखकर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी है, सब लोग ने देखनी चाहिए, फैमिली के साथ देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। म्यूजिक अच्छा है, विकी कौशल का एक्टिंग बहुत फैंटास्टिक है, सब लोग ने देखनी चाहिए। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के बारे में सब अच्छा है, कोई कमी नहीं है मूवी में, सब कुछ अच्छा है। सर्जिकल स्ट्राइक की स्टोरी कितनी टची थी और कितना पहुंच सकी है? 100% टचेबल थी, जो भी है एकदम रियल दिखाया हुआ है, जो भी हमारे आर्मी ने अटैक किया था, जो भी है बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। 5 में से मैं 10 दूंगा। थैंक यू मैम, इट्स एक्सीलेंट। विकी कौशल, परेश रावल, यामी गौतम सबकी एक्टिंग अच्छी थी। परेश रावल अपने किरदार को कितना अच्छे से दर्शाते हैं, माइंड ब्लोइंग, देयर इज अ माइंड ब्लोइंग, देयर इज नो, आई कैन नॉट से दैट, मैं उसका कुछ 1% भी मेरे को गलत नहीं लगा। सर्जिकल स्ट्राइक की स्टोरी को फिल्म के अंदर कितना अच्छे से दर्शाया? हाँ, बहुत अच्छे से दर्शाया गया उसने, और स्क्रीन प्ले का जैसा उसने स्टोरी को जैसा डेवलप किया और जैसे स्क्रीन पे आया, इट्स ऑसम। हाय वॉटर फाइल। ओके सर, फिल्म पूरी देखकर आ रहे हैं, हाँ जी, कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पूरी पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी, पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी है। पिक्चर में, पिक्चर का जो उद्देश्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पर किया था, और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है और उसके लिए सरकार को कितना प्रयत्न करना पड़ता है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ये पॉसिबल होता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी बताई गई है, इसमें वर्तमान सरकार ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और इस मुकाम पर पहुँचे। पिक्चर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी, जो भी एक सर्जिकल का स्ट्राइक जो दिखाया है और जो मूवी में इमोशंस हैं, ड्रामा है, जोश है, इज एन ऑसम। डायरेक्शन तो इज ए वेरी गुड, जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्शन किया है मूवी को, स्टार्टिंग से लिया है, किस तरीके से इमोशन दिखाए हैं, ड्रामा भी है, प्लस जोश दिखाया है कि जिसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का उन लोगों ने जिसे अटैक किया था, तो वैसे हम लोगों के हिंदुस्तान ने भी जाके वहाँ पे उन्होंने जोश में अटैक किया, बहुत अच्छा उन्होंने डायरेक्शन दिया, बहुत अच्छी चीज़ें थी। हाउ द जोश, मैं तो 5 ही दूंगा और मुझे तो वापस भी देखनी है सीधे। परेश रावल इज अ वर्सेटाइल एक्टर एज वेल, यू नो, तो उनको तो जज करना हमारे बस में बात नहीं, वो तो है ही वर्सेटाइल। और यामी गौतम हमेशा रोमांस में नजर आए हैं, तो अभी ये इसमें थोड़ी डिफरेंट कैरेक्टर में नजर आए हैं, जैसे कि देश के लिए काम कर रहे हैं, एज ए आर्मी कैंपस में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से निभाया ये रोल को उसने। डायलॉग बहुत सब बहुत अच्छा लगा, जो फाइनल में एक डायलॉग है जो विकी कौशल कहते हैं, तुम लोगों ने इंडिया में घुस के मेरे भाइयों को मारा था, मैं आज तुम्हारे पाकिस्तान में घुस के तुम्हारे भाइयों को मार रहा हूँ, ये है इंडियन आर्मी, हम हैं इंडियन आर्मी। आउट ऑफ 5, 5। थैंक यू। ऐसे और बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स।